इस वीडियो में हम बात करेंगे IRFC शेयर के बारे में, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जहां पे शेयर अभी के टाइम में ट्रेड कर रहा है 164 के लेवल पे, जहां पे आप देखेंगे यहां पे अभी के टाइम में अगर हम बात करेंगे तो आखिर यहां पे शेयर में तेजी क्यों नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर तेजी क्यों नहीं आ रहा है। दो न्यूज़ निकल के आ रहा है, दो न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। उसके बाद मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्या हमें देखने को मिल रहा है आने वाले टाइम में, तेजी कब हो सकता है या फिर अभी बाई करना चाहिए फिर नहीं, सारी चीज़ें एक एक करके इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं अभी के टाइम में क्या चल रहा है या फिर अभी फ्रेश एंट्री लेना सही रहेगा या फिर नहीं। देखिए, नो डाउट कंपनी काफ़ी अच्छा है सबसे पहले। दूसरा चीज़ ये है कि यहाँ पे इसी शेयर की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहता है। कभी कभी ऐसा देखेंगे आपने, सालों स्टेबल रहा उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी आया, एक मतलब 20-25 के अंदर लगातार स्टेबल रहा शेयर, उसके बाद एक तेज़ी आया, फिर 30-35 के अंदर स्टेबल रहा, फिर तेज़ी आया, फिर मतलब अब देखेंगे यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेज़ी आया और फिर उसके बाद 70-80 के अंदर स्टेबल रहा शेयर और फिर एक ज़बरदस्त तेज़ी आया। आज के टाइम पर देख लो कहाँ पर मिल रहा है शेयर। तो वही चीज़ है कि जब शेयर स्टेबिलिटी कंडीशन में आता है तो उस टाइम पर कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए, या फिर काफ़ी सारे लोग कहाँ पे करते हैं कि यहाँ बाई करेंगे, जब ये ऊपर चला जाएगा एकदम से अपने हाई टच करेगा तो वहाँ पे लोग बाई करेंगे और वहाँ से जैसे गिरावट होगा तो वो पैनिक में आ जाएंगे कि अभी गिरावट हो रहा है हम क्या करें, निकल जाएँ या फिर रहने दें। जो भी है, जो लोगों ने 200 से ऊपर के प्राइस पे इन्वेस्टमेंट किया है, मान लो 220 पे इन्वेस्टमेंट किया है, आज के टाइम पे मतलब बहुत सारे उनका लॉस में चल रहा होगा पोर्टफोलियो में, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। और मैंने काफ़ी पहले ही समझाया है ये चीज़ आपको कि कोई भी शेयर हो अगर लगातार भाग रहा है और यहाँ पे आपको उसको ऊपर से पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो नीचे आएगा, वो गारंटी है नीचे आएगा। कोई भी शेयर हो कितना भी भाग ले, लेकिन थोड़ा करेक्शन होता ही है, चाहे वो प्रॉफिट बुकिंग को लेकर या फिर जो भी है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के चलना है। ऊपर नीचे ऐसे करके मार्केट चलता है, एकदम से नहीं होगा कि आप एकदम से भागता हुआ रहेगा, सालों साल भागता हुआ रहेगा, ऐसा नहीं होता है। गिरावट भी एक हिस्सा है मार्केट का, अगर हम बात करें यहाँ पे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ से आपको घबराना नहीं है। अगर गिरावट कोई वजह नहीं है तो अदरवाइज़ कोई ऐसा वजह निकल गया जिसकी वजह से गिरावट होना तय है और भी गिरावट होना तय है, कोई बैड न्यूज़ निकल गया है तो अलग की बात है, बट अभी ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं है तो कह सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद शेयर काफ़ी चल चुका है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टेबल होगा, उसके बाद आप बाई करने के लिए सोचिए या फिर जो भी कीजिए। अभी तो लगातार यहाँ पर आपको गिरावट में ही दिख रहा है शेयर, मैं 1 ईयर का भी अगर चार्ट ओपन करूँ तो लगातार आपको गिरावट में ही दिख रहा है। जब इस तरह का स्टेबिलिटी कंडीशन आपको इस तरह देखने को मिल जाए तो ये एक मतलब लगातार एक अच्छा मौका देते जा रहा है कंपनी, बिकॉज ऑलरेडी आप देखेंगे कि जब भी ये शेयर स्टेबल होता है काफ़ी अच्छा अच्छा रिटर्न दिखाता है हमें। तो कहीं ना कहीं अगर आप बाई करना चाहते हो तो फिलहाल मेरा यही ओपिनियन रहेगा कि थोड़ा थोड़ा करके, एकदम से नहीं होगा कि अपना 100% अमाउंट एकदम से डाल दीजिए, नहीं, किसी भी शेयर में अपना 100% अमाउंट इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग स्टॉक में अपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखिए ताकि कोई भी दो स्टॉक, तीन स्टॉक गिरावट में भी हो तो कुछ स्टॉक से आपको रिटर्न अच्छा मिल जाए। अब बात करें इस IRFC के बारे में, तो जितना गिरावट हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके आराम से आप जा सकते हो, अलग की बात है। मेरा ओपिनियन जो है, मैं जो करता हूँ वही बताता हूँ आपको, अदरवाइज़ मैं ये नहीं बताऊँगा कि आपको जो करना है वो करना है। अब पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो अपने हिसाब से देखिए आपको क्या करना है, बट जो मेरा ओपिनियन है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अभी आराम से दोस्तों थोड़ा थोड़ा करके। अब देखिए, स्टेबल तो नहीं हुआ है, ये मैं नहीं कहूँगा स्टेबल हो गया है, लगातार गिरावट वाले फेज में ही है, गिरावट वाले फेज में ही है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा रिस्क है अगर देखा जाए तो। तो कहीं ना कहीं जब तक थोड़ा स्टेबल नहीं होता है तब तक यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। अगर आपके आपने एक अमाउंट रखा है कि मुझे यहाँ पे 10,000 का इन्वेस्टमेंट करना है तो थोड़ा थोड़ा करके 10,000 में से आप 2,000-3,000 इन्वेस्टमेंट करिए, फिर थोड़ा और गिरावट थोड़ा और कीजिए, ऐसे करके आप इस स्ट्रेटजी को अपना सकते हो चाहो तो अदर अदर स्टॉक में। ऐसा नहीं कि आपके पास 1 लाख रुपए है और एक की प्राइस पे पूरा आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो, ये बैड होता है दोस्तों। अगर हम बात करें, ये गुड मैनर नहीं है, बिकॉज यहाँ पे मार्केट है, मार्केट किसी को भी गलत ठहरा सकता है, मार्केट को राइट्स है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखकर चलना है। बाकी अगर हम बात करेंगे तो वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं, जो भी करना है अपने रिस्क पे करना है, बिकॉज पैसा आपका है तो रिस्क आपका है। अब बात कर लेते हैं न्यूज़ क्या निकल के आ रहा है उसके ऊपर, तो देखेंगे इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन शेयर प्राइस बुलिश फ्रॉम कुछ इतना कुछ यहाँ पर 2 डेज पहले का यहाँ पर न्यूज़ निकल के आ रहा है ये। अब बात करेंगे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो कि आप एक एक करके इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, जो भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल IRFC स्टॉक इज डिस्प्लेड मिक्स्ड सिग्नल रिसेंट ट्रेडिंग सेशन, द शेयर ओपन 179 एंड टूडे, जो भी मतलब ये पहले का जो कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। टेक्निकल इंडिकेटर एनालिस्ट हैव नोटेड ए बियरिश मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर इन IRFC स्टॉक सजेस्टिंग पोटेंशियल फर्दर डिक्लाइन, द स्टॉक पी रेशियो स्टैंड 36.65 विच इज रिलेटिवली हाई कंपेयर
टू इट्स पेयर, इंडिकेटिंग दैट इट्स मे बी ओवर वैल्यूड एट करेंट लेवल। तो यहाँ पे ओवर वैल्यूड करेंट लेवल पर यहाँ पर कुछ दिखाया जा रहा है, बट अभी और गिरावट हो गया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे तो अभी टाइम में पी रेशियो यहाँ पे क्या चल रहा है फिलहाल, 33.3 का हमें देखने को मिल रहा है फिलहाल अभी टाइम में। तो लगातार यहाँ पे वैल्यूएशन पे आ रहा है स्टॉक। इन्वेस्टर्स रिकमेंडेशन, इन्वेस्टर का क्या रिकमेंडेशन है? सम एनालिस्ट रिकमेंड ए कॉज, देखेंगे यहाँ पे अप्रोच सजेस्टिंग दैट इन्वेस्टर कंसिडर एग्जाइटिंग द स्टॉक इफ फॉल टू मेंटेन एवो 165 का सपोर्ट लेवल यहाँ पे दिया जा रहा है एनालिस्ट इन्वेस्टर्स की तरफ से, एनालिस्ट की तरफ से जो भी आप देखेंगे यहाँ पे 165 का सपोर्ट लेवल। अदर बिलीव दैट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शुड होल्ड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को यहाँ पे होल्ड क्या जो भी कह सकते हो, गिवेन द कंपनी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस टू इंडियन रेलवे एंड इट्स पोटेंशियल फॉर रिकवरी। और बाकी अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो टेक्निकल सपोर्ट लेवल शुड स्टॉक होल्ड एबोव 165, इट मे अट्रैक्टिंग बाई बाइंग इंटरेस्ट, हाउ एवर ए ड्रॉप बिलो दिस लेवल कुड ट्रिगर फर्दर सेलिंग। इस लेवल को ड्रॉप करता है डाउन साइड में 165 को, जो कि आज के दिन यहाँ पे 165 के नीचे आ चुका था, आ चुका अभी भी है, उसके नीचे ही है। अगर क्लोजिंग यहाँ से नीचे दे देता है तो सेलिंग का मतलब यहाँ पे कह सकते हो कि प्रेशर आ सकता है यहाँ पे, इनका कहना मतलब ये न्यूज़ के मुताबिक हमें देखने को मिल रहा है। और बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स रिएक्शन टू न्यूज़, एनी न्यू अनाउंसमेंट्स रिगार्डिंग पॉलिसी चेंजेस और फाइनेंशियल रिजल्ट फ्रॉम द रेलवे सेक्टर कुड सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट आईआरएफसी स्टॉक प्राइस। नेक्स्ट अगर हम बात करें और भी कुछ इन्फॉर्मेशन उसके बारे में यहाँ पे, तो नेक्स्ट दूसरे न्यूज़ पे भी यही देखने को मिल रहा है कि इन द टर्म ऑफ सपोर्ट अराउंड 150 से 160 का लेवल के आसपास, 150 से 60 के अंदर एक सपोर्ट है, ए स्लाइट डिप इज पॉसिबल विच वुड बी ए गुड अपॉर्चुनिटी टू एड योर पोजिशन। यहाँ पे भी मैंशन किया गया है एड पोजिशन के लिए गुड अपॉर्चुनिटी है, बट होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए होल्डेशन बात आ रही है यहाँ पे एंड द एनलिस्ट एडेड। तो लॉन्ग टर्म के लिए बात इसलिए आ रही है बिकॉज ये शेयर जो है ना जब स्टेबल कंडीशन में आता है ना तो मतलब बहुत महीने लगातार स्टेबल ही रह जाता है, कोई तेजी देखने को नहीं मिलता है, मतलब यहाँ पे कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलता है, जब तेजी होता है तो एकदम जबरदस्त तेजी होता है। तो इसलिए यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए बात चल रही है कि यहाँ पे काफ़ी बार ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान में रख के चलना है कि शेयर में स्टेबल जब होता है तो बहुत महीने तक स्टेबल भी हो जाता है, तो ये चीज़ आपको माइंड में रख के चलना है कि अगर पैसे लगा रहे हो तो ये नहीं सोचोगे कि जल्द से जल्द हमें रिटर्न मिल जाए, बिकॉज शेयर जब स्टेबल होता है तो मैंने आपको पहले भी दिखा चुका हूँ प्राइस चार्ट इसका, जब स्टेबल होता है तो बहुत महीने स्टेबल ही रहता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के चलना है। बाकी आज के लिए कुछ नहीं, वीडियो में कोई बाई सेल या फिर होल्ड की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस एडवाइस लीजिए, उसके बाद सोचिए आपको क्या करना है, अदरवाइज इग्नोर इट। फिलहाल मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़।